बिग बॉस सीजन 16 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक अब्दू रोजिक ने शो में आते ही अपनी क्यूटनेस और एक्टिविटीज से अपनी फैन फॉलोइंग को बेहद बढ़ा दिया है। लेकिन अब्दू ने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल भी देखे हैं। अब्दू का कद भले ही छोटा हो, लेकिन इस छोटे कद को ही उन्होंने अपनी ताकत बनाया। अब्दू ने हमेशा मेहनत की और आज उनके लाखों चाहने वाले हैं। आइए हम अब्दू के बारे में आपको कुछ रोचक बातें बताते हैं। अब्दू रोजिक 19 साल के हैं और देश उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं और अपने गानों और अपने अंदाज को लेकर बेहद पॉपुलर है। अब्दू की शॉर्ट हाइट का कारण एक बीमारी है जिसका नाम रैकेट्स होता है, जो उन्हें बचपन में हो गई थी और घर पर पैसों की तंगी के कारण उनका इलाज नहीं हो सका, जिसके कारण उनकी हाइट छोटी ही रह गई। अब्दू ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब अब्दू को स्कूल में बहुत चिढ़ाया जाता था और उन्हें टीचर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत परेशान किया जाता था। इसके कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और आगे शिक्षा प्राप्त नहीं की। लेकिन इन सब बातों के बाद भी अब्दू ने कभी अपने दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रखी और कहा कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। और मात्र 6 साल की उम्र में अब्दू ने अपना म्यूजिकल करियर शुरू किया। उनका म्यूजिकल वीडियो वही दिल्ली जोर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और उसके बाद अब्दू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद अब्दू ने एक के बाद एक बढ़िया गाने गाए और अपने फैंस के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई। उनकी सिंगिंग को लेकर खास बात यह भी है कि उन्होंने कभी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। अब्दू ने सिंगिंग के साथ साथ बॉक्सिंग में भी हाथ आजमाया है और अब्दू का खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। और अब्दू को इंडिया में तब पॉपुलैरिटी मिली जब उन्होंने अरिजीत सिंह का गाना स्टेज पर गुनगुनाया। यूं तो अब्दू के लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन अब्दू बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के सबसे बड़े फैन हैं। और इसके बाद सलमान खान से मिलने के बाद अब्दू ने एआर रहमान के साथ और कई अन्य बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज और चर्चित लोगों से मुलाकात की। और इसके बाद अब्दू ने बिग बॉस सीजन 16 में आकर अपनी फैन फॉलोइंग को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब्दू की सच्ची कहानी से लाखों लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और उनकी कहानी से यह सीख मिलती है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको धैर्य रखना आना चाहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। आपको ये इंस्पिरेशनल वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। वीडियो से अब तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी हमें जरूर बताइए। और एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए प्लीज फॉलो कीजिए हमारा चैनल ब्लॉग बज़।